क्लास 8 है, प्रश्न नंबर 31। एक वृत्त बनाओ जिसका अर्धव्यास ए रेखा के समान और दी हुई रेखा ए बी और दिए हुए वृत्त ओ को बाहर से स्पर्श करे। तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक ए बी लाइन दी हुई है, एक इसके बाहर वृत्त लगा लेना है अपनी मर्जी से, और एक और वृत्त लगाना है हमने जिसका अर्धव्यास जो है ए दिया हुआ है। तो एक बाहर एक अर्धव्यास लगा लें ए। अब जितना आपका ये अर्धव्यास है, इतने प्रकार खोल लें जितना आपका ये अर्धव्यास है, ए के ऊपर रखें और चाप लगाएं। फिर बी के ऊपर रखना है, चाप लगानी है। अब चाप की बैक साइड को भी आपस में मिला देना है और एक समानांतर लाइन आपके पास आ जाएगी। ऐसे इसको मिलाएं और इसी बैक साइड को आपस में मिला दें। छोटे छोटे डॉट लगाने हैं, जितने आप सुंदर छोटे छोटे डॉट लगाएंगे आपके नंबर भी उतने ज़्यादा आएंगे। ड्राइंग में तीन तरह की लाइनों का ध्यान रखना, दी हुई लाइन, रचना की लाइन और उत्तर की लाइन। अब आपने इसके ऊपर कोई एक पॉइंट एन लेना है, इसके पॉइंट एक पॉइंट एन ले लिया, और एन पॉइंट लेने के बाद ओ एन को मिलाना है और लाइन को आगे बढ़ा देना है। ओ एन को मिलाना है और लाइन आगे बढ़ा देनी है आपने डॉटेड। जितना आपका अर्धव्यास है ये, इतनी प्रकार खोली हुई है आपने, एन के ऊपर रखना है और आगे निशान लगा देना है। इसमें निशान लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखें, केवल और केवल निशान लगाना। ये एस पॉइंट आ गया हमारा, सिर्फ हमने एन के ऊपर से निशान लगाया। मैंने यहाँ लिख भी दिया एन एस इज इक्वल टू ए, ये आपस में बराबर है। अब केंद्र इसको मानना है, ओ को केंद्र मानना है। एस तक प्रकार खोलनी है और चाप लगानी है जो आपकी समानांतर लाइन है इसको टच करेगा। ये पॉइंट जहाँ टच कर रहा है, ये पॉइंट आपका क्या आ गया, के आ गया, के पॉइंट आ गया बप्पा। के से प्रकार खोलनी है ए के बराबर। अब के को केंद्र मानना है और ए के बराबर प्रकार खोलनी है और यहाँ वृत्त लगा देना है जो आपके दिए हुए वृत्त को भी टच करेगा और ए बी रेखा से भी स्पर्श करेगा। ये थोड़ा डार्क वृत्त लगाना है।